इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में विमान में सवार 3 पायलट समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे उस वक्त हुआ जब हरक्यूलस C-130 विमान तीमका से खाद आपूर्ति लेकर वामेना जा रहा था। इस दौरान वामेना पहुंचने से पहले ही विमान लिसुवा पहाड़ में क्रैश हो गया। अधिकारियों की माने तो विमान में 3 पायलट्स के अलावा 10 सैन्यकर्मी मौजूद थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बचाव एजेंसी के ऑपरेशनल निदेशक इवान अहमद रिस्की के मुताबिक विमान के मलबे को खोज लिया गया है और मृतकों के शव को वामेना ले जाया जा रहा है। बहरहाल विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे खराब मौसम पर आशंका जताई जा रही है। हालांकि इससे पहले साल 2015 में भी वायुसेना का एक विमान मैदान इसी तरह उड़ान भरने के बाद एक आवासीय इलाके में क्रैश हो गया था जिसमें विमान में सवार सभी यात्री हादसे में मारे गए थे। इस विमान हादसे के बाद साबित हो जाता है कि वाकई में विमान सुरक्षा मामले में इंडोनेशिया का रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।